नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बियॉन्ड स्टडी पर और मैं हूं श्रीकांत। हम अपने वीडियो में टॉपिक को बहुत ही कम समय में डिटेल्स में डिस्कस करते हैं और इसे ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं ताकि बच्चे इसे आसानी से एग्जाम में लिखकर आ पाए अपने लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखा जाए पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड द ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन के बारे में, तो युद्ध के बाद कि क्या सेटलमेंट के लिए पॉलिसी लाई गई और ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब देखा जाए कि दो बड़े बड़े युद्ध वर्ल्ड वार वन वर्ल्ड वार टू के बाद पूरे देश के आर्थिक और राजनीतिक यानी सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन में बहुत सारे चेंजेस आए, क्योंकि अगर देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले कई देश कॉलोनियल रूल के अंदर थे और इसके चलते वे ग्लोबलाइजेशन से जुड़े हुए थे। अगर ब्रिटेन फ्रांस सभी की कॉलोनियाँ थी, वो सभी एक ग्लोबल चैन के थ्रू जुड़े हुए थे क्योंकि उनमें ट्रेड आसपास होता था, आदान प्रदान। लेकिन 1945 के बाद देश आज़ाद होने शुरू हुए, जैसे कि इंडिया 1947 में हुआ, उसके 1948-49 में ऐसे कंटिन्यू एक देश आज़ाद हो चले गए, तो अब ये कॉलोनियल रूल से हट गए, तो अब इसमें ग्लोबलाइजेशन करता गया। अब आप खुद ही सोच लीजिए, 1947 के पहले इंडिया एक ओपन इकोनॉमी थी। अगर कोई इंडस्ट्री है इंग्लैंड में, अगर वहाँ पर इंडिया द्वारा बनाया गया यानी प्रोडक्ट किया गया कॉटन वहाँ जाकर प्रोसेस होता है वहाँ के मिलों में, और 1947 के बाद इंडिया एक क्लोज इकोनॉमी हो गई, तो यहाँ से तो एक्सपोर्ट होगा नहीं इंग्लैंड कॉटन, तो वहाँ जो कंपनियाँ इस्टेब्लिश हुई इंडिया के रॉ मटेरियल के भरोसे, उनका क्या होगा? तो आप समझ सकते हैं एक ट्रेड बैरियर माने एक ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो गई कि कई सारे इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गए, क्योंकि जो रॉ मटेरियल था उनका सप्लाई अलग अलग कंट्रियों से बंद हो चुका था। इन सब चीज़ को बैलेंस करने के लिए यहाँ ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई कि जो ग्लोबल एक चैन बना हुआ था आज़ादी के पहले 1945 के पहले, उस चीज़ को मेंटेन किया जाए ताकि देश में जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसको बनाया जा सके। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ कुछ अपडेट किए गए, जैसा कि जो कंट्री आज़ाद हुई है उनके गवर्नमेंट को फोर्स किया गया कि वो जो नया ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन है उससे लोन ले और अपने देश के अंदर नई इंडस्ट्रियों को एस्टेब्लिश करने में मदद करे ताकि नए जॉब क्रिएशन होंगे और ट्रेड बैलेंस बना रहेगा। इसके लिए अगर देखा जाए तो 1944 में अमेरिका में न्यू हैम्पशियर में ब्रेटन वुड नामक एक इंस्टीट्यूशन की एस्टेब्लिशमेंट किया गया, और इसके साथ ही यहाँ पर दो और बैंक्स जैसे कि वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोनों की स्थापना की गई जो 1947 के बाद लागू हुए, माने इन्होंने अपना काम करना शुरू किया। अब ये बैंक थे जो लोन देंगे, लोन किसे देंगे? वे कंट्री जो अंडर डेवलप्ड है उनके रीबिल्डिंग के लिए, इसीलिए इसे डेवलपमेंट बैंक भी बोला जाता है। अब इन जो फेमस बैंक है ये दोनों की लोकेशन क्या है? Washington DC, माने ये जो दोनों बैंक थे वो वेस्टर्न पावर के अंदर में थे, और इनका जो कोट था वो था कि जो अपने विश्व है उसको पॉवर्टी फ्री बनाना है, यानी सभी को अच्छे से खाना मिले, पानी मिले, शिक्षा मिले और स्वास्थ्य मिले, इनका उद्देश्य यह लिखा गया था मोटो में। अब उन्होंने क्या किया उसके बारे में तो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन की स्थापना के साथ ही इनके दो ट्विन्स वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का फाउंडेशन हुआ टू हेल्प अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में लिखकर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।